नमस्कार साथियों, झाबुआ लाइव पर बहुत स्वागत आप सभी का। और इस समय हम उपस्थित हैं झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अभी कुछ देर पहले एक शिकायत मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से मिली कि यहाँ पे जो मेश है उसके खाने में यहाँ पे कीड़े पाए गए हैं। और इसी संबंध में ग्राउंड जीरो पे झाबुआ लाइव पहुँचा। हमारे साथ में मेस इंचार्ज मोहन यादव जी हैं। ये एक शिकायत आई है आपके जो मेश पे कि कीड़े खाने में देखने को मिले हैं, क्या सही है ये? नहीं सर, बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है सर। इसमें एक्चुअल क्या है कि भाई या तो किसी ने शरारत की है इसमें, कुछ गलत है कि हमको क्या हो रहा है कि अभी एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंडर हो रहे हैंगे और कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो उसको भरना चाह रही हैं, पर अगर वो अंदर नहीं आ पा रही है, जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू हमको थोड़ा सा वो करा जा रहा है कि डराया भी जा रहा है मेरे को। कुछ छः महीने से, पिछले छः महीने से मुझे डराया भी जा रहा है, काम करने में देने में भी बहुत परेशानी कर रहे हैं सर। और ये जो कीड़े वाली जो बात है जिसपे खास तौर से झाबुआ लाइव सवाल उठा रहा है बच्चों की तरफ से, क्या कभी निकले कीड़े? या जो ताज़ा मामला आया है आपने भी देखे होंगे, अगर फोटो बाजार में आए हैं तो कीड़े सही में निकले क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं ऐसा कुछ देखा। मैंने तो ऐसा कुछ, बस शिकायत मेरे पास आई थी तो मैंने उसको तुरंत चेंज करवा दिया, पर मैंने अपने आंखों से नहीं देखा सर कुछ भी। तो एक बार हम हमारे दर्शकों को अंदर किचन की व्यवस्था भी दिखाते हैं। ये मेश का पूरा जो हॉल है, यहाँ पे खाना बच्चे खाते हैं। इसके अलावा जो हम बात करें खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न किस तरह से स्टोर करते हैं थोड़ा सा? अभी हाल फिलहाल में जैसे बारिश के टाइम रहता था, हम बहुत कम स्टोर करते हैं, पर अब एक्चुअल अब जब हो गया है सब कुछ, बारिश रुक भी रुक चुकी है, तो हम अपना खाद्यान्न मंगा रहे हैं सर पूरा। तो कभी ऐसी शिकायत बच्चों की तरफ से आपको आई कि आपके खाने की क्वालिटी सही नहीं है, कभी ऐसा हुआ कभी ऐसी? नहीं, क्वालिटी के मामले में नहीं आती है, वो ये बोलते हैं कि आज भैया अच्छा नहीं बना या कुछ ऐसा, तो उसके लिए फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं, उनसे कमेटी बना लेते हैं और उनसे उसका सोल्यूशन पूछते हैं सर। अच्छा, खाने में कीड़े मतलब कीड़ों की बात करें या दूसरी इल्लियों की हम बात करें, वो उन तक नहीं पहुँचे, इसके लिए सुरक्षा के मानक आप क्या अपना रहे हैं? सर उसके लिए हम विशेष तौर पर उसको ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो भी सब्जी आती है उसको काटते हैं तो व्यवस्थित धोते हैं, देखते हैं उसको व्यवस्थित तौर पर, यानी उसकी पूरी साफ़ सफाई और रख रखाव पर ध्यान देते हैं सर। आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो उसके बावजूद ये जब ये इंटरव्यू हमारा ख़त्म होगा तो आपको हम फोटो भी दिखाएंगे जो आपके मेज से ही फोटो आए हैं जिसमें बच्चे बैठे हैं और उसमें कीड़े देखे, तो ये आपकी नज़रों से कैसे बच गई ये चीज़? सर बच्चे मेरे पास इसी के लिए, उन्होंने दिखाया नहीं मुझे, उन्होंने बोला कि भैया सब्जी में ऐसा लग रहा है कि कोई बाई चांस कीड़ा है, तो मैंने बोला उसको चेंज कर देते हैं, और हमने उसको चेंज करके सेव टमाटर की तुरंत सब्जी बना दी गई। मतलब आपको शिकायत आ जाए कि कीड़ा है? हाँ, तो हम उसको तुरंत चेंज करते हैं, यानी उस चीज़ को, यानी हाँ कभी भी ये कब हुआ आज कीड़े वाला? आज ये दिन के खाने की बात है कि बता, बच्चों ने क्या बताया आपको? कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई उसमें कीड़े हैं, यानी ऐसा लग रहा है, तो हमने बोला ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। फिर आपने चेंज कर दिया? हाँ चेंज कर दिया, उसके बदले हमने सेव टमाटर बनाया उनको। तो ये थे यादव जी जिन्होंने ये बताया कि आज उनको शिकायत मिली थी कि दाल में वो सब्जी में कीड़ा है, तो उसको उन्होंने बदला। लगातार जो है झाबुआ लाइव इस तरह के मुद्दों पे पहुंच रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के उचित मानक इस कॉलेज में अपनाए जाएंगे। आप देखते रहिए लगातार झाबुआ लाइव। समय उपस्थित हैं उस स्टोर के कमरे में जहाँ पर पॉलिटेक्निक के बच्चे जो खाना खाते हैं उनके लिए सब्जियाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ पर अदरक, यहाँ पर देखिए अदरक रखा गया है बच्चों के लिए, और उसके साथ में कई तरह की सब्जी इस कमरे में है। हम देखें प्याज का स्टोर यहाँ पे किया गया है, और अदरक हमने देखी जिस तरीके से, उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे हैं, ये आटे की थैलियाँ हैं, मिर्ची हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है स्टोरेज की उसमें बहुत खामियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। स्टोरेज को लेके यदि हम बात करें तो स्टोरेज को लेके जो मानक हैं उसके पालन को लेके ज़रूर यहाँ पे दिक्कतें देख रही है किचन में। लेकिन जैसा कि यादव जी बता रहे हैं कि वो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खाना इस मेज पे बन रहा है, वो आप देखिए। ये इस समय हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए रोटियाँ बन रही हैं, और ये वो काई की मशीन है यादव जी सामने, रोटी की मशीन है, उसमें पूरा खाना बन रहा है। तो ये पूरा एक पॉलिटेक्निक का किचन है, और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पे ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे सब्जी का निर्माण जो है चल रहा है। ये चावल अभी बन के आए हैं और चावल के साथ में ये सब्जियाँ बन रही है, ये सब्जी इस समय बन रही है बच्चों के लिए, ये तुअर की दाल है, ये सब्जी इस समय बन रही है, और चावल आपने देखा कि ये बन रहे हैं। तो ये पॉलिटेक्निक का किचन था जो हमने झाबुआ लाइव के जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाया, उन बच्चों वो बच्चे भी इनको देखेंगे जो लगातार झाबुआ लाइव से जुड़े हुए हैं।
और लगातार हमने देखा किस तरह से आज यहाँ पे जो मोहन यादव जी ने बताया कि कीड़े निकले उसको उन्होंने सही कराया। लगातार बच्चों की शिकायत थी, इसी को लेकर झाबुआ लाई यहाँ पहुँचा था। आप देखते रहें झाबुआ लाई।